मैम लोग क्या 38 में डालना सीधा 38 डाल 12 डे बेटा थैंक यू सो मच बट यू नो ये रोल मुझे बहुत बहुत पसंद है बिकॉज इज़ अ फादर जो एक स्टीरियोटाइप नहीं है जो नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को यही बनाऊंगा या वो बनाऊंगा तो ही लीव्स इट ऑन टू हर जो आम जिंदगी में इट वर्क्स सो मच यू नो कि द गर्ल गेट्स द फ्रीडम एंड गोज अहेड इन लाइफ सो आई लव द रोल वेरी गुड इनफैक्ट आई गॉट सो मेनी पोस्ट सेइंग दैट सर बाप हो तो ऐसा बाप हो तो ऐसा And be like, don't just be a dad, be like a Dimple's dad. Dimple yes. is the name of Prajakta. Yeah. So, ये सारे बहुत सारे मुझे ऐसे response आए and I was very touched. Can we expect the season 3? Yeah, बिल्कुल. I'm expecting the same event, but it depends upon the production, it depends upon the director. But I'm all geared up. I'm ready. Thank you, sir. God bless. Actually, the response has been overwhelming, I think, for Nandini Nahata on Mismatch Season 2. Kabhi socha nahi tha ki aisa, you know, itna... मैं उसे ढेर सारा प्यार ही बोलती हूँ क्योंकि दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ द पार्ट आई थिंक एंड द वे इट वॉज रिटन द वे आई थिंक आकर्ष डायरेक्टेड इट विद ऑल द फ्रीडम दैट आई गॉट टू यू नो डू माई बेस्ट फॉर द पार्ट एंड टू गेट टू बी ऑन अ सेट विच वॉज सच अ हैप्पी सेट विद ऑल दीज अमेजिंग किड्स क्लाइमैक्स की मैं बात करूँ नंदिनी नाटा सिलेक्टिंग दोस थ्री पीपल एंड नॉट दैट वन नेम एक्चुअली आज नंदिनी नाहटा बिल्कुल शायद डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज शी वॉज वेरी फोकस्ड ऑन व्हाट शी वॉन्टेड शी डिडंट वॉन्ट एनी वन हु was not going to fit into her curriculum and as Nandini Nahata it wasn't difficult but jab main khud dekh rahi thi as Dipanita I think it was very difficult for me to think that I was going to be that mean to someone you know so but I think the character was written in that manner and according to Nandini she is right in what she is doing can we see the season 3 and season 3 Nandini Nahata in season 3 वो तो आपको मेकर्स को पूछना पड़ेगा और डायरेक्टर को भी पूछना पड़ेगा एंड द राइटर्स कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड लेट्स सी अपकमिंग है एक अनु मेनन की फिल्म है अमेजॉन प्राइम वीडियो के लिए जिस विद्या बालन स्टार सो वी शॉट दैट इन द यूके एंड दैट्स रिलीजिंग सम टाइम दिस ईयर अर्ली दिस ईयर थैंक यू मैम सेंटर में ही ना या हाँ यही 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 बस 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 लुक कैमरा मैम
तो राइट है जी, आ जा भाई जल्दी आ भाई। थैंक यू सो मच। स्पेशली करीमा के साथ काफी अमेजिंग है, बिरयानी तो काफी फेमस है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रोल एंड रिस्पांस फ्रॉम द पीपल? आई थिंक सीजन 1 को इतना प्यार मिला एंड देन सीजन 2 वाज लाइक आई कांट इमेजिन एवरीबॉडी वांट्स टू ईट करीम की बिरयानी जो मैंने रणविजय के कैरेक्टर सिंह सर को सिखाई। Everybody is, I mean, I got so many letters saying that Zeenat jaisi friend sabke life mein honi chahiye. That's true, Zeenat, that's true. So, ma'am, biryani ki charcha ho rahi hai, to aap apni favorite biryani ke bare mein bataiye na. Meri favorite biryani, well, mutton biryani to nahi banati, but prawn pulao banati hu, which is quite nice. And you always experiment with your role. Chalte India ki baat karo, iski main baat karu, kafi different role hai. How do you explore your role? How do you choose your role? I think this one chose me. Zeenat really chose me. I just feel like it fell in my lap क्योंकि मैं शिवजी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे पता है सीजन 1 में जब Zeenat एक दिन पहले शूटिंग के मुझे फ़ोन आया और मुझसे कहा गया कि आर यू फ्री टुमारो बिकॉज वी आर गोइंग टू जोधपुर टू शूट दिस सीरीज एंड यू नो Zeenat's कैरेक्टर एंड आई वॉज लाइक ओके। I read the script through in the night and I was like it's lovely, but the thing is I didn't have dates, I was going somewhere else. One last question, can we expect the season 3? Ask the makers. We are all hoping though. Yes, fingers crossed. Are hoping too. Thank you so much. Look camera. Center look. Look center ma'am. मतलब ना यहां ना वहां सेंटर सेम बात में यहां पर भी देखिए सर हाँ जितने फोन में कैमरा है सब में सर लुक हियर बहुत अच्छा लुक हियर विशाल बात करने इसने यार विशाल डन अरे वो बस ही नहीं हो रहा। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ योर कैरेक्टर, लवली कैरेक्टर, थैंक यू सो मच। थिंग टू लर्न आपके किरदार कितना डिफिकल्ट था? वो किरदार मैं देख रहा हूँ सीजन 1 सर तो मतलब ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट लगता नहीं है उस सेट पे क्योंकि हम सब साथ होते हैं और हमारा डायरेक्टर आकर्ष खुराना सब कुछ हमारे लिए आसान कर देता है। बट इट्स बहुत ऐसे अच्छा एनवायरनमेंट है काम करने का तो सब कुछ काम ही नहीं लगता है। इन रील में तो काफ़ी डाइट की है ना, इन पीपल आर सीइंग आपके जैसी ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए सब इस तरह आपने लेगा। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द फैंस? I think people kind of understood that, you know, trying to change yourself for somebody else is not really worth it. And if I could even change one girl's mindset because of that, so that's a win for me. So I'm really happy that people are liking it. Angerness mein kitni sari baatein hai, kitni sari hai ki angerness is not everything. Sir, एक्चुअली मतलब एंगर का तो ऐसा सीन है कि मेरे लिए तो समटाइम्स शूट वॉज लाइक थेरेपी क्योंकि मैं अपनी सारी भड़ास निकाल सकता था तो मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया वो करते करते। और बाकी तो यार मतलब आई गेस जब भी कोई गुस्सा होता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है तो लास्ट क्वेश्चन कैन वी एक्सपेक्ट सीजन 3? Can I don't think there's expect to you can. Yeah, expect to you can. You all can expect. Thank you. Look left. Ma'am, look here. Ma'am, look here. You got. बहुत आप लुक योर लेफ्ट लुक योर लुक योर आई सी यू इनसाइड या वेरी बिग कांग्रेचुलेशन फॉर द सीजन 2। काफ़ी कुछ सीखने को मिला सीजन 2 में तो हमें और सीजन 1 में भी मिला। मैं जानना चाहूँगा किस तरह के रिस्पॉन्स आपको मिले सीजन 2 को लेके? जिस तरह का कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था उस तरह का, बिकॉज जब सीज़न 1 आया था तो ऐसा लगा था कि नया है यू नो, और ऑल्सो उस टाइम पे मुझे याद है कि जिस तरह के शोज़ आ रहे थे ये बड़ा लाइट हार्टेड सा था, वेरी टीनेज कॉमेडी ड्रामा, तो ऐसा लगा था कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फिर अच्छा लग गया।
फिर हमें मज़े इतने आने लग गए सीज़न वन सीज़न टू में कि सीज़न टू जब तक आया था तो हमने ऐसे कि चलो जब आएगा तो देखेंगे. एंड द वे इट गॉट रिसीव्ड, वी आर सो ग्रेटफुल. और मैं हर जगह जितनी बार इसके बारे में बात होती है मैं यही कहती हूँ कि हम कितना भी चाहे सोच ले हम कभी इस तरह के रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते. इसके अलावा रील्स कितनी सारी बनी है, स्पेशली वो जो एक सीन था जहाँ पे फिर से आप लोगों की दोस्ती होती है ना, आपने कहा कि हेलो फ्यूचर बॉय, यस वो यहाँ पे है ना कहीं पे प्रिंटेड है वो शायद, हाँ वहाँ पे शायद वो कहीं पे, तो उसकी रील्स की चर्चा काफी होती है. एंड स्पेशली द राजस्थानी सॉन्ग, हाँ मेहमान, हाँ मेहमान रेतीला राजस्थान. आप कुछ बताना चाहोगे फैंस से, कितनी रील्स आपने अब तक देखी है? गिन ही नहीं सकते हैं यार इतनी सारी. और इनफैक्ट आज निधि कुमार करके एक डांसर हैं जिनको मैं, डांस क्रिएटर हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है. आज उन्होंने मेहमान पे एक और रील डाली है. तो अब रिलीज हुआ था 14 अक्टूबर को, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, जैन हम आज 16 क्या तारीख है आज 12 जैन आ गए. तो तीन महीने हो गए लेकिन फिर भी अभी तक इट्स ट्रेंडिंग. ऐसे क्यों इस ट्रेंडिंग, तारुक के खो गए को मोर देन 30 मिलियन स्ट्रीम्स हो गए हैं स्पॉटिफाई पे, विच इज़ मैड. तो मतलब म्यूज़िक के बारे में तो अभी सुबलासिनी अभी हमारे साथ एंटर करी हैं जिन्होंने संजना का जो ट्रैक था वो उन्होंने जो तमिल तेलुगु, सो आई एम सॉरी आई शुड नो दिस बेटर, बट वो वाला ट्रैक उन्होंने गाया है विच इज़ ब्यूटिफुल. 2022 की मैं बात करूँ, इट हैज बीन अ वेरी काइंड ईयर फॉर यू, यू मिसमैच. 2023 को किस तरह से देख रहे हो? भुवन मैम ने तो ऑलरेडी धमाका कर दिया है. आपने देखा वो? ऑफ कोर्स देखा, हम वहाँ मिले थे ना, काफी अमेजिंग सीरीज, बहुत मजेदार, बहुत कुछ सीखना है. पर भुवन तो हमेशा से आई थिंक जितनी बारी ढिंडोरा के साथ भी यही हुआ था, ताजा खबर के साथ भी यही हुआ है. आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल. How you are looking forward for 2023 as a professional? I'm very excited. There's a bunch of things जो मैंने imagine नहीं किया था कि मेरे बस की होंगी, लेकिन थोड़ी challenging है but try किया है. What about the season 2? I guess I have asked season 3. Sorry. Hopefully now that is my plan, that's my agenda for tonight. Everyone I meet from RSVP and Netflix, I'm going to be like season 3. Is there a season 3? Is something coming up? So anything with Rohit, because people are loving your chemistry together. I mean nothing that we know of yet, but I'm always down for it. I love Rohit and I love being on set with him. Thank you. मुझे ऐसा लगा कि कई रोल्स ऐसे होते हैं जो जो आपके लिए लिखे जाते हैं, तो आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट सीजन जो राइटर्स ने हमारे कैरेक्टर्स को लेकर सबको एक अच्छा आर्क दिया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज एक्टिंग तो सबको करना है, अच्छे रोल तो सबको चाहिए, लेकिन जब मिलते हैं और जब राइटर्स और डायरेक्टर्स वैसे सपोर्ट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है. एंड बिकॉज फर्स्ट सीज़न अच्छा चल गया था, वो सारी टीम एक साथ थी, तो सेकेंड सीज़न में हम लोगों ने बहुत मस्ती की एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट. लेकिन अपना काम करके शूटिंग ख़त्म करके वापस आकर जब तक क्राउड का रिएक्शन नहीं आता, जब तक ये नहीं होता कि यार इट्स डन वेल, दो महीने तक टॉप 10 में या वो जो भी, तब तक फिर ऐसा लगता है कि जब वो प्यार आता है तो लगता है कि हाँ यार अब से. फेवरेट स्टूडेंट कौन था? मेरे को लग रहा है करीम जी. नहीं नहीं, वो तो यार वो तो सिड सर की फेवरेट हैं, बट मेरे को एक्चुअली
तारुक बहुत पसंद है, उसका जो कैरेक्टर है द वे, मतलब उसमें काफ़ी चैलेंजिंग है और उसने जिस तरीके से निभाया है वो बहुत पसंद आया। बट आई थिंक प्राजक्ता इज़ वो जान है, वो वैसे भी मेरे को रियल लाइफ में बहुत पसंद है, शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग वेरी क्यूट गर्ल, हमारी उससे बहुत बनती है। तो उसका कैरेक्टर एंड तारुक कैरेक्टर अनमोल अमेजिंग, बट सबका यार सेलिना का भी अच्छा है। तो आई थिंक जिस शो के तुम पार्ट होते हो ना उसमें तुम्हें सभी पसंद आते हैं, बिकॉज एक भी इंसान के बगैर, एक भी ये पजल का जो पीस है उसके बगैर ये पूरी कहानी नहीं होगी। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल की बात करूं, फैंस आर मिसिंग यू सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से, व्हाट वुड यू से टू ऑल द फैंस दैट? देखना है तो मेरे को मिसमैच में देखो, या अभी नेटफ्लिक्स के साथ एक और कुछ ऐसा चल रहा है तो आई थिंक अलग अलग चीज़ें करते हैं तो उससे मेरे को ही मजा आता है। बट मैं सिर्फ अपने फैंस को बोलना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी शो हो, आई मिस देम ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि वो मुझे मिस कर रहे हैं और मैं उनको मिस नहीं कर रहा, बट होपफुली आई गिव देम इनफ अपॉर्चुनिटीज और इनफ एवेन्यूज एंड प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे वो मेरे को देख पाए एंड मस्ती करेंगे यार, अभी तो शुरुआत है। इस साल उर्फी जावेद भी थी स्पिरिचुअल में, आप किस तरह से हैंडल करते हो, अगर कुछ कुछ टिप्स देना चाहते हैं? मेरे को एक्चुअली जब मेरे शो पे कोई गेस्ट आता है तो मैं तो उनको हमेशा उस रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करता हूँ, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं किसको कैसे ट्रीट करूँगा। जैसे मेरे से, जैसे आप मेरे से बर्ताव कर रहे हैं, जैसे आप मेरे से बिहेव कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट दे रहा तो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, सिंपल गिव एंड टेक है। और एज अ होस्ट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हम लोग वो निभाते हैं कोई भी शो। पर इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग यार अगर मैं होता टू बी यू नो इन अ शो, बिकॉज अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ बात करके कम्युनिकेट करके शो में तभी मजा आता। कैन वी एक्सपेक्ट सीजन 3 ऑफ मिसमैच्ड? होपफुली यार, मैं इसलिए आया हूँ ये बात, ओ डायरेक्टर साहब आगे जो बताएंगे हमें कि ये सीजन 3 होगा कि नहीं, इनकी इनकी वो बदौलत सब कुछ हो रहा है। ये देखिए स्टार हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बेस्ट ब्रदर, बेस्ट बॉयफ्रेंड, बेस्ट सन, बेस्ट ब्रदर, मैं किसका भाई? अच्छा, ओ, अच्छा, करेक्ट करेक्ट, हाँ।
कुछ कहना चाहोगे? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि 2022 का इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था. आई थिंक आई एम सो एक्साइटेड दैट इट एंडेड द वे इट डिड, एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट 23 देन यू नो सेलिब्रेटिंग मिसमैच सीजन 2 एंड द सक्सेस ऑफ इट. तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, सबके साथ बहुत टाइम बाद मिल रहा है. इनफैक्ट इन शूट के बाद पहली बार हम सब एक साथ हैं, यू नो द एंटायर टीम ऑफ नेटफ्लिक्स, RSVP एंड मिसमैच. सो इट्स बिन अमेजिंग एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर द वे मिसमैच सीजन 2 हैज बिन रिसीव्ड. और होपफुली अगर ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो शायद देर विल बी अनदर सीजन, मे बी देर विल बी 3 मोर, मे बी वी डोंट नो, बट वेरी वेरी एक्साइटेड. रोहित, इसके अलावा रील्स की मैं बात करूँ, स्पेशली एक रील है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है जहाँ प्राजक्ता को बोल रहे हो तो मैं 2 मिनट के लिए कॉलेज के बाहर का गया, वो वाली रील आपने देखी रहेगी इस सोशल मीडिया पे. जी वायरल हुई, उस सीन के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहो. सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कौन सी एक सीन था? आपने कहा प्राजक्ता को मैं 2 मिनट का कॉलेज के बाहर चला करेक्ट वो सीन के बारे में अगर कुछ बताना चाहो. मैं एक्चुअली वो सीन के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी में शूट किया था और बहुत प्रॉब्लम हुई, बट एनी वे इट्स बिन रिसीव्ड रियली वेल. लोगों ने बहुत प्यार दिया है, नॉट जस्ट उस सीन को बट पूरे सीजन को, बाकी सारे किरदारों को. तो इसलिए यू नो ऑल ऑफ अस एट RSVP एट नेटफ्लिक्स वी फील रियली हैप्पी, रियली प्राउड, एंड रियली होप कि ऐसे ही मिलता रहे. इसके अलावा केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, यू एंड प्राजक्ता जी वेरी गुड, सीजन 1 में भी काफ़ी अच्छे लगे जी. सीजन 3 को लेके काफ़ी सारी होप है, अगर कुछ बताना चाहोगे? अगर सर वो रहे, देखो आपकी प्रोड्यूसर ये रही सनाया, कम This is our producer Sanaya. Season 3 के बारे में तो we cannot say anything right now, but hopefully soon. Very soon. जहाँ पे end हुआ ऐसा लग रहा है season 3 आ सकता है. मतलब वही hope है. अब जिस तरीके से प्यार मिले, I hope Netflix sees it and commissions us the season 3. In 2022 की मैं बात करूँ, काफी अच्छा साल गया आपके 2023. As a professional wise किस तरह से देख रहे हो इस साल को? Bigger 23, यही होप है. यू नो रियली एक्साइटेड अबाउट 23 बिकॉज लॉट्स इज हैपनिंग. देर इज ऑफ कोर्स यू नो इश्क-विश दैट विल कम आउट एट सम पॉइंट, इश्क-विश का रीबूट. वी डोंट नो द रिलीज डेट येट, क्या हुआ भाई, बट रियली एक्साइटेड अदरवाइज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.